नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा स्वागत करती हूं आपका हमारे परेशान पब्लिक कॉलम में। आज पब्लिक एशिया की टीम आपके लिए लाई है एक ऐसे माँ बाप की गुहार जिनको कहीं से कोई मदद ना मिली तो उन्होंने खटखटाए पब्लिक एशिया के दरवाजे। आखिर क्या है इन माँ बाप की तकलीफ जो इन्हें हमसे संपर्क करना पड़ा, किसने इनके आंसू और तकलीफ की पीड़ा ना समझी। जी आपका नाम? ये बच्चे के जो ये निकल रहा है ये जन्म से हुआ या अभी हुआ है? कितने साल का बच्चा है? 5 महीने का हो जाएगा 2 तारीख को। तो इसका ट्रीटमेंट कराया गया आपने? हाँ करवाया था। कहाँ पर? रामनाथ लोहिया अस्पताल। उन्होंने क्या बताया फिर? उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला लेकिन डेट पर डेट दिए जा रहे हैं, काम कर नहीं रहे वो। तो कब, इससे पहले कब दिखाया था आपने इसको? इससे पहले जब शुरू में जन्म हुआ था जब अस्पताल तोड़ रहे से लेकर कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ कहाँ आपके कंप्लेंट, कुछ इसके बारे में शिकायत की कहीं किसी के बारे में इसके? पहले तो चाचा नेहरू में लेके गए थे, फिर अरवन में लेके गए थे, कलावती में लेके गए थे, तो फिर राम मनोहर लोहिया में लेके गए। इसे लोनी में रहने वाले ये परिवार लॉकडाउन के बाद से बहुत परेशान है। आप यही सोच रहे होंगे कि क्या इनकी परेशानी या तो होगी कोरोना या लॉकडाउन या खाने की दिक्कत। तो हम आप सबको बता दें कि इनकी दिक्कत इनमें से कोई भी नहीं है। जी हाँ, बल्कि इनकी परेशानी की वजह है उनका 5 महीने का बच्चा। लॉकडाउन के कारण परिवार बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके चलते गाजियाबाद के लोनी इलाके में ये परिवार गाजियाबाद प्रशासन से मदद का प्रयास कर रहा है। आइए ले चलते हैं आपको लोनी उन परेशान माँ बाप के पास, जानने के लिए कि क्या तकलीफ है इस बच्चे को। क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। जो आपका बच्चा बीमार है ये जो इसके कब से है? जन्म से ही है। इसको कहाँ कहाँ दिखाया आपने? राम मनोहर लोहिया में दिखा रहे हैं। तो उसके क्या बताया उन्होंने? वो तो रिपोर्ट तो सारे कर दी गई, MRI का टाइम आया तो डेट टू डेट पढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? वो डेट पे डेट पढ़ाए जा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं बच्चे की कमर पर फोड़ा निकला हुआ है। बच्चे के पिता ने बताया ये बीमारी बच्चे के जन्म से ही है और इसका इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से डॉक्टरों ने बच्चे के इलाज के लिए आगे की तारीख दे रखी है। कितनी तकलीफ और दर्द में है ये बच्चा इस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसे में अगर बच्चे के माता पिता चाहते हैं कि बच्चे का इलाज अभी हो जाए तो क्या गलत है? प्रशासन को आगे आकर इनकी मदद करके इस बच्चे को तकलीफ से निकालना होगा। बच्चे के मजबूर माता पिता गाजियाबाद प्रशासन से मदद मांग रहे हैं जिससे बच्चे का इलाज हो सके। हम अपने चैनल के माध्यम से उनकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाकर उनकी सहायता के लिए आगे आए हैं। आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अनुरोध है कि हमारी आवाज़ के साथ, अगर आपकी आवाज़ का साथ मिलेगा तो हम इस बच्चे की तकलीफ ज़रूर दूर कर पाएंगे। आइए आगे आइए और हमारे परेशान पब्लिक कॉलम के माध्यम से हमारे साथ लोगों को उनकी परेशानी से बाहर निकालिए। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।